राहुल गांधी जी कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार हूँ, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिर सोना निकलेगा मशीन से। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त कपिल भारद्वाज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट पैलेस पे। हम आए हुए हैं 2019 के लोकसभा चुनाव की राय लेने के लिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में आप प्रधानमंत्री पद का दावेदार किसे मानते हैं, मोदी, राहुल या फिर कोई और अन्य विकल्प है आपके पास? नरेंद्र मोदी को। मोदी जी ने के 4.5 साल में ऐसा क्या काम किया है जिसे आप प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं? सब कुछ सही किया है, फ्रीडम है उनके टाइम में, आज़ादी है, हर इतने इतने देशों में घूम रहे हैं, हमें यहाँ पर बैठे हुए कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़ की। पहले इतनी बाउंडेशन थी, इतने इतने लोग परेशान करते थे हम लोगों को, अब हमें कोई परेशान करने वाला नहीं है, ट्रैफिक वाले परेशान करने वाले नहीं है, पब्लिक परेशान करने वाले नहीं है, लोगों के पास इतने ऑप्शंस हैं, ओला है, उबर है, मेट्रो है, बसेस हैं, तो इसलिए हम लोग किसी चीज़ से परेशान नहीं है, हम लोगों को धंधा पानी अच्छा से चल रहा है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है हमें। मोदी जी की जय हो। और ये गठबंधन जो बन रहा है सारे दलों का मिलके, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जो गठबंधन बन रहा है वो बिल्कुल सही बन रहा है गठबंधन। तो ये 2019 में मोदी जी को टक्कर दे पाएगा? बिल्कुल दे पाएगा। और इसमें मोदी जी को फतेह भी हासिल होगी, मोदी जी को इससे बहुत बहुत प्रोटेक्शन भी मिलेगी, बहुत पावर भी मिलेगी इस चीज़ से। 2019 में हम लोग तो यही चाहते हैं कि मोदी सरकार ही आए। ये शशि थरूर जी ने अभी कुछ दिन पहले बयान, हिंदुओं के खिलाफ जो बयान दिया था, उस पर आपकी क्या राय है? जो हिंदुओं के खिलाफ जो बयान दिया था वो बिल्कुल गलत बयान दिया था। हिंदुओं के खिलाफ और मुसलमान के खिलाफ कोई बयान देना नहीं चाहिए, हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं, हिंदू मुसलमान किसी कोई नाम की कोई चीज़ नहीं है, सारे भारतीय हैं, सारे इंसान हैं, सबका ब्लड ग्रुप सेम जैसा एक जैसा ही होता है, दो आँख एक नाक के सबका होता है, सारे इंसान सेम है, तो आप मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। शशि थरूर जी ने जो बयान दिया है इस बयान के, तो हम तो बिल्कुल खिलाफ़ हैं। प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं? ऑप्शंस हैं आपके, राहुल, मोदी या कोई और? ऑफकोर्स राहुल तो नहीं। क्यों? हमारे हिसाब से अभी राहुल गांधी उतने मेच्योर नहीं, उनको कम से कम अभी 10-15 साल और बिताने पड़ेंगे, तब उनको मेच्योरिटी लेवल उस लेवल तक पहुंच पाएगा कि ये कम से कम टक्कर लेने लायक बने, मेरे हिसाब से। आप? नरेंद्र मोदी डेफिनेटली। क्यों? कोई और है नहीं अभी मोदी के टक्कर में, कोई नहीं है फिलहाल, कोई नहीं है, मे बी 8-10 साल बाद कोई हो, या फिर राहुल तो एक मजाक ही एक तरह से, राहुल गांधी या केजरीवाल या जो तीसरा मोर्चा बन रहा है, ये सारे तो डेमोक्रेसी के नाम पे मजाक है। भले ही मोदी में कई सारी बुराइयां हैं, परफेक्ट नहीं है, लेकिन और कोई चॉइस हमारे पास नहीं है अभी। ये जो गठबंधन बन रहा है इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बस एक अभी बन रहा है, हो सकता है 2-4 महीने बाद टूट जाए, ये तो अवसर आता है जब PM कैंडिडेट चुनने की बारी आएगी, सारे हम आगे हो जाएंगे। कांग्रेसी नेता शशि थरूर जी ने एक बयान दिया है कि हिंदी, हिंदुत्व और हिंदू ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे लग रहा है देश को जोड़ने का काम करेंगे मुद्दे नहीं, इन्होंने ये जो सवाल किया है उससे देश में गलत प्रभाव जाएगा या नहीं? बिल्कुल गलत प्रभाव जाएगा, आप मेजॉरिटी को एकदम इग्नोर करेंगे, उन्हें हाशिए पर डालने से गलत प्रभाव जाएगा ही जाएगा। आप बताइए। इनका कहना सही है, मैं भी इसी से बिलीव करता हूँ कि कम से कम मेजॉरिटी को तो पूरे तरीके से मिलना चाहिए प्रेफरेंस। अगर आप कोशिश करोगे कि हिंदू को ही हिंदुस्तान में रह करके आप हिंदुओं को अलग करने की कोशिश करोगे तो इसका तो नेगेटिव इम्पैक्ट जाना ही जाना है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार हूँ, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिर सोना निकलेगा मशीन से।